आपकी एरिक के बारे में कुछ बोलेंगे सर? अच्छा, नो प्रॉब्लम. व्हाट आई हैव टू से, आई सेड इन कोर्ट. सर, मेरे जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर. How do you respond? Sir, you can go from this. What I have to say, I have said in court, I don't want to engage on cameras. Sorry, you know, thanks a lot. But again, sir, I mean, you just try our best. Again, we feel that he's a kingpin. Give me credit for so much, you spent so much time with me over the years. Thank you, sir. It's so easy to trap me with your third question. Thank you, sir. थैंक यू सो मच. की एरिक के बारे में कुछ बोलेंगे सर? अभी चल रही है. अच्छा, क्या क्या आपने सर क्या ग्राउंड लिया है सर कस्टडी को अपोज करने के लिए? सर, सर कस्टडी कैसे अपोज कर रहे हैं? अब हमने सबसे बड़ा ग्राउंड लिया कि लीगल अरेस्ट है, इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं थी और दो दिन पहले तो उन्होंने कहा कोई एविडेंस नहीं है और हाईकोर्ट में चूंकि हमारी प्रेयर इंटरिम कोई प्रोटेक्शन की नहीं मानी गई तो स्टेट अवे आके इन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया. अब हमने कहा अरेस्ट भी कर लिया तो पुलिस रिमांड का कोई जस्टिफाइड ग्राउंड नहीं है. जी, अभी क्या 10 दिन के तक तुम लोग हाँ जी 10 दिन के पुलिस रिमांड 10 दिन के तक. तो सर आपकी साइड से आर्गुमेंट जो है वो पूरे हो चुके हैं सर? इंक्लूड नहीं हुए, बस अभी रिपोर्ट. ग्राउंड क्या था सर? आपने कस्टडी अपोज किया होगा तो उसके लिए कुछ नहीं है. सारे ग्राउंड इलीगल है, इट्स एन इलीगल अरेस्ट. ओके, देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट हिम. ओके, सो यू थिंक दैट द अरेस्ट इज ओनली इलीगल? अरेस्ट द होल इन्वेस्टिगेशन एवरीथिंग इज इलीगल. सो प्लीज.